देखो बच्चों, आज हम देख रहे हैं ये कविता है जिसका नाम ही गीत लिखा। तो ये कविता लिखी है केदारनाथ अग्रवाल जी ने, और उन्होंने यहाँ पर दिखाया है कि यहाँ के जो लोग हैं, इस भारतवर्ष के जो लोग हैं, वह अपने देश को कैसे बनाना चाहते हैं, साथ साथ भारत में क्या बदलाव देखना चाहते हैं। तो कवि कहते हैं, इस जन्म में, इस जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा, गीतों की खेती करेंगे, पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। मतलब वो कहना चाहते हैं कि इस पूरे जीवन में सभी को, मतलब ये जो जीवन है, और जैसे भारतवर्ष में हम देखते हैं कि लोग जो है, ज़्यादातर समाज जो है वो कैसा है, गरीब है, अशिक्षित है, तो ऐसे सारे लोगों को अच्छा जीवन मिलना चाहिए, और साथ साथ उन लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए, हर एक इंसान पढ़ा लिखा होना चाहिए ताकि उसके जीवन का स्तर जो है वो अच्छा हो, उसको समाज में मान सम्मान मिल जाए। तो कविता इस जन्म में, इस जीवन में, मतलब भारतवर्ष में हम पैदा हुए हैं और ये जो हमारा जीवन हमें मिला है, इसी जीवन में, मतलब मुझे भी और आपको भी, हमको और तुमको, समाज के हर एक घटक को, हर एक इंसान को क्या मिलना चाहिए, मान मिलना चाहिए। मान सम्मान, इज्जत जिसे कहा जाता है, वो मिलनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई गरीब है तो अमीर इंसान उसकी तरफ ना देखे, उसके ऊपर अत्याचार करे, उसका हक छीन ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में हर एक जो घटक है उसको मान सम्मान मिलना ही चाहिए। वो आगे कहते हैं कि गीतों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। मतलब ये मान सम्मान जब हम मिलता है तो हम खुश खुश होते हैं और खुशी के गीत गाते हैं। तो ये खुशी जो है वो जाहिर करने के लिए, या फिर पूरे भारतवर्ष में ये खुशी मनाई जाएगी, क्योंकि हर एक इंसान को मान सम्मान मिलेगा तो हर कोई खुश रहेगा। इसलिए उन्होंने कहा है कि गीतों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। मतलब ये सारी खुशियां हैं वो बांटने के लिए आपको पूरा हिंदुस्तान मिलने वाला है। आगे वो कहते हैं, फूल खिलेगा, हमको तुमको त्राण मिलेगा, फूलों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। फूल खिलेगा मतलब यहाँ पर हर चीज जो है वो अच्छी होगी। हमको तुमको त्राण मिलेगा, त्राण मतलब क्या कि डर। हम लोग जो डरते हैं, हर एक इंसान अलग चीज से डरता है, जैसे कि किसी को भूत का डर लगता है, किसी को पानी का डर लगता है, किसी को ऊंचाई का डर लगता है, किसी को सामने वाले का डर लगता है। कभी कभी हम बीमार होते हैं तो हमें बीमारी का डर लगता है। जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर होते हो तो उस समय आपको एग्जाम से डर लगता है। तो कभी कहते हैं कि ये भय जो है वो नहीं रहना चाहिए। हमको तुमको त्राण मिलेगा मतलब हर सभी सभी इंसानों को डर से मुक्ति मिलेगी, भय से मुक्ति मिलेगी। फूलों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। देखो यहाँ पर क्या होगा, फूल खिलेगा मतलब इंसान जो है वो खुश रहेगा। इंसान के मन के अंदर जो डर है, भय है, वो समाप्त होगा, इंसान को डर से मुक्ति मिल जाएगी। फूलों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा मतलब हर एक इंसान जो है वो खुश रहेगा और उसके लिए ये पूरा हिंदुस्तान हाजिर है। दीप बुझे हैं जिन आंखों के, उन आंखों को ज्ञान मिलेगा, विद्या की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। देखो, दीप बुझे हैं जिन आंखों के, अब ये दो मतलब से उन्होंने यहाँ पर दिया है। जो लोग हैं वो देख नहीं सकते, ऐसे लोगों के लिए भी शिक्षा का एक माध्यम बनाया गया और उस माध्यम के द्वारा उन लोगों को शिक्षा दी जाती है। जैसे आप देखते हो ब्लाइंड स्कूल है, वहाँ पर ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करके उनको सिखाया जाता है, यहाँ तक कि वो बच्चे कंप्यूटर भी चलाते हैं। एक तो ये विचार है, दूसरा है दीप बुझे हैं जिन आंखों के। दूसरा विचार उन्होंने यह समझाया है हम लोगों को कि देखो,
जो खेत में काम करने वाले छोटे छोटे बच्चे होते हैं, या कुछ समाज भारतवर्ष में ऐसा भी है जो एक जगह से दूसरी जगह हमेशा ट्रैवल करता रहता है, तो ऐसे बच्चों को स्कूल नहीं होता है क्योंकि वो एक जगह रहते नहीं तो वो स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो ऐसे सभी बच्चों को शिक्षा मिले, ऐसी योजनाएं जो है इस भारतवर्ष में चलाई जाएगी, अब भी चलाई जाती है। तो उस मतलब से भी उन्होंने कहा है कि दीप बुझे हैं जिन आंखों के, उन आंखों को ज्ञान मिलेगा। मतलब भारतवर्ष में जो भी बच्चे हैं, हर एक बच्चा का अधिकार है कि उसे ज्ञान मिले। देखो, हम गवर्नमेंट की तरफ से भी हम देखते हैं कि बिलो 18 ईयर्स के जो बच्चे हैं उन लोगों को कंपलसरी स्कूल जाना ही है, वो काम नहीं कर सकते, उन्हें सिर्फ स्कूल में जाकर पढ़ाई करना, यही एक काम उन लोगों को करना है। तो ये हमारे भारत में रूल है। तो ऐसे भारत देश में क्या होगा कि हम विद्या की खेती करेंगे, मतलब हर एक बच्चा स्कूल जाएगा, पढ़ाई लिखाई करेगा, और ये सारा कौन करेगा, तो ये पूरा हिंदुस्तान करेगा। मतलब ये सारी चीजें करने के लिए हमारे पास पूरा हिंदुस्तान है। मैं कहता हूँ फिर कहता हूँ, मतलब कवि अपने हिसाब से कहते हैं कि मैं कहता हूँ फिर कहता हूँ, हमको तुमको प्राण मिलेगा। देखो, प्राण मतलब जिसे हम अपना क्या कहते हैं, जीव कहते हैं, तो हम सभी को क्या मिलेगा, प्राण मिलेगा। मारो मोरों सा नर्तन करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। देखो, आप जानते हो मोर कब डांस करता है, जब वो बहुत खुश होता है, उसको बारिश बहुत पसंद है, हरियाली बहुत पसंद है, तो जब बारिश होती है तो मोर खुश हो जाते हैं और नर्तन मतलब डांस करते हैं। ठीक है, तो इतनी खुशियां हमारे भारतवर्ष में होगी। मैं कहता हूँ फिर कहता हूँ, मतलब ये आत्मविश्वास के साथ कवि कह रहे हैं कि हमको तुमको प्राण मिलेगा, हम सभी को जीव मिलेगा, हम अच्छी जिंदगी मिलेगी, और हम कैसे खुशी से झूम उठेंगे, मतलब मोरों सा नर्तन करेंगे। और ये सारा कौन करेगा, तो ये सारा पूरा हिंदुस्तान करेगा। तो कवि इस कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं कि भारतवर्ष में हम जन्म लिया है तो हमारा जीवन कैसे होगा, तो भारतवर्ष में हम पैदा होने के बाद हम सबको मान मिलेगा, तो हम गीतों की खेती करेंगे, मतलब खुश होंगे। देखो, यहाँ खुशी से गीत गाए जा रहे हैं और आखिर में खुशी से नाच किया जा रहा है। ठीक है, आगे वो कहते हैं कि क्लेश यहाँ जहाँ है फूल खिलेगा, मतलब जो भी क्लेश आपकी जिंदगी में है, जो भी दिक्कतें आपको है, जिस बात का भी आपको दुख है, वो सारा खत्म होगा और वहां पर क्या होगा, वहां पर फूल खिलेंगे, मतलब खुशियाँ खिलेंगी। ठीक है, फूल खिलेगा, हमको तुमको त्राण मिलेगा, मतलब हमें भय से मुक्ति मिलेगी। जिस भी चीज का भय है हमें, जिस भी चीज का दुख है, इन सारी चीजों से हमें छुटकारा मिलेगा, और वो कहाँ होगा, पूरा हिंदुस्तान। दीप बुझे हैं जिन आंखों के, तो यहाँ पर हर एक बच्चे को ज्ञान मिलेगा, जो बच्चा देख नहीं सकता है उसके लिए भी यहाँ पर ज्ञान के द्वार जो है खुले हुए हैं। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, विद्या की खेती करेंगे। तो हम पढ़ाई लिखाई जो है वो समाज के हर एक स्तर पर जाकर छोड़ेंगे, इसलिए वो कहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में विद्या की खेती होगी, और ये सारा कौन करेगा, तो ये पूरा हिंदुस्तान। तो पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को पढ़ाई लिखाई का अधिकार मिलेगा। मैं कहता हूँ फिर कहता हूँ, मतलब कवि पूरे आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि हमको तुमको प्राण मिलेगा, मतलब हमें इतनी अच्छी जिंदगी मिलेगी, इतना प्राण मिलेगा कि हम कैसे खुशी से झूम उठेंगे, मोरों सा नर्तन करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, मतलब पूरा हिंदुस्तान जो है वो खुशियां मनाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? If you like our videos, do share them and subscribe to our channel. If you want awesome quizzes, write to us. Keep watching and keep learning with Walnut.